नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल मैथ्स बेसिक एजुकेशन हब पर, जिसके अंतर्गत आज हमारा ये गणित का अध्यापक भर्ती परीक्षा का दूसरा प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न पत्र मैंने भाग दो में आप लोगों को दिया है, उसे आप देखिए। उसमें मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक उसी प्रकार से 20 क्वेश्चनों में ये 10 क्वेश्चनों का मेरा पहला सेट है, उसके बाद एक दूसरा सेट आएगा जिसमें 10 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने हर टॉपिक को लगभग कवर करने की कोशिश की और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो बन सकते हैं, उन सबका समावेश करने की कोशिश करता हूँ। चलिए आइए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो हमारा। देखिए जो पहला प्रश्न है कि 4 की घात 11 तथा 7 की घात 5 और 11 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, यानी इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप इसे देखें तो ये 4 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 3। तो देखिए ये तो 11 अभाज्य है, 7 अभाज्य, लेकिन 2 अभाज्य नहीं है, तो हम 4 को हम 2 की पावर 2 की पावर 11 लिख दें इंटू 7 पावर 5 इंटू 11 की पावर 3। तो ये हो जाएगा पावर की पावर मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो 2 की पावर 22 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 3। इस प्रकार से 2 भी 22 बार लिखना पड़ेगा, 7 5 बार लिखना पड़ेगा और 11 3 बार लिखना पड़ेगा। इसका यह मतलब था कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो देखिए 22 होंगे 2 के, 7 के होंगे 5, 11 के होंगे 3, तो जोड़ लेते हैं 22 5 27 और 3 30। ये जो पावर्स होती हैं, जो अभाज्य गुणनखंड बनते हैं, उनकी पावर्स का जो एडिशन होता है, यही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 30 होगी। अगला सवाल बढ़ता हूं, क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है, उसने पूछा गया है आपसे कि 0.00057529 की वैज्ञानिक पद्धति में इसे कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए वैज्ञानिक पद्धति ये कहती है किसी भी संख्या का अगर डेसिमल में लिखना है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए, ये वैज्ञानिक पद्धति है। मतलब ये है कि 0.00005276, तो वैज्ञानिक पद्धति कहती है 5.276, ये कहता है कि 1 अंक के बाद डेसिमल लगना चाहिए, लगा दिया। अब ये देखना है हम डेसिमल इधर से चल के आ रहे हैं, इधर से अगर इस साइड से जा रहे हैं तो माइनस पावर आती है और इस ओर आते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है। तो देखिए कितने अंक बढ़े, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर -6, तो 10। ये देखिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुल मिला के अगर कोई आपसे पूछता 3256 इसको वैज्ञानिक में लिखना है तो ये हो जाता 3.256123 10 की पावर 3 होता, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको हल करूं, पॉइंट पर नीचे लाऊंगा 10 की घात 6 फिर उसको लिखूंगा, फिर यही चीज मिल जाएगी, इसे कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ता हूं। 1.36 बार किस साधारण भिन्न के बराबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल भी है। 1.36 बार, तो आप इसको 1+0.36 बार लिखेंगे, 1+, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं जिन संख्याओं के ऊपर बार लगता है उतने 9 लिखे जाते हैं। ये 9 लिखने के बाद हम करेंगे क्या, इसको सिंपल अगर ये कट रहा है तो काट लेंगे, 9 चौक 36, 9 एकम 9, यानी वह 1+4/11, सिंपल करेंगे तो 11+4/11 अर्थात 15/11, यानी मैं इसे 15/11 भी लिख सकता हूं। तो कुल मिला के ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि √a + √b = 17 तथा √a - √b = 1 तो √ab का मान क्या होगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा, दो समीकरण बनी हुई है √a
अंडर रूट बी इक्वल टू 70, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू 1। समीकरण 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दें तो आ जाएगा 2 अंडर रूट ए इक्वल टू 80, देन रूट ए इक्वल टू वैल्यू रखेंगे 18/2 इक्वल टू 9। इसका मतलब रूट ए बराबर 9 है और अब रूट बी बराबर अगर हम समीकरण 1 से यानी रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 17, तो ए हो गया 9 प्लस रूट बी बराबर 17, तो आ जाएगा रूट बी इक्वल टू 17 माइनस 9। अब 9 इसमें से आपको घटाना है तो 9 8 17 होता है, तो ये हमारा हो गया 8। इस प्रकार से अब हमें रूट ए इंटू रूट बी निकालना है, तो ये अंडर रूट ए भी हो जाएगा अर्थात रूट 9 इंटू 8 हो जाएगा, रूट ए हमारा 9 था ठीक है, तो 9 और ये 9 8 17 तो 8, तो 9 8 72 कितना जाएगा, ये 9 8 72, तो 72 कहीं आ रहा है, हाँ रूट ए बी का वैल्यू क्या आएगी 72 आएगी। रूट ऑफ ए बी को अगर हम निकालें, चूंकि उसने रूट में पूछा है आपसे कि रूट ए बी की वैल्यू क्या होगी, रूट ए बी की वैल्यू क्या होगी, वो होगी आपकी 72। रूट ए रूट बी की वैल्यू आएगी 72। अगला क्वेश्चन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है, देखें जरा। 7 वर्ष पूर्व शादी के समय, 7 वर्ष यानी आज से 7 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी, अब पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है, तो बच्चे की आयु यानी वर्तमान की बात कर रहा है, इसके लिए हम पहले 7 वर्ष पहले जाएंगे, तो 7 वर्ष पूर्व पति एवं पत्नी की आयु, तो चूंकि दोनों ही 25 वर्ष के थे, 25 इंटू 7 सॉरी 2 है भाई, 25 दूना 50 यानी 7 साल पहले दोनों 50 वर्ष के थे, तो अब पति और पत्नी की आयु कितनी हो जाएगी 50 प्लस, अब चूंकि 7-7 साल दोनों बड़े होंगे तो 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 7 दूनी 14 यानी 64 वर्ष, यानी पति पत्नी आज की डेट में उनकी उम्र है 64 वर्ष, यानी आज वो दोनों 64 वर्ष के हैं, उनके साथ एक बच्चा भी है, और जिस जो इन तीनों पति पत्नी और बच्चे को मिला के 22 वर्ष के हैं, तो तीनों की आयु पति पत्नी तो पहले निकल चुकी 64 साल के, तो 22 इंटू 3 22 या 66 वर्ष, यानी आज तीनों लोग 66 वर्ष के हैं, जिसमें पति पत्नी कितने वर्ष के 64, तो बच्चे की उम्र कितनी होगी, बच्चे की आयु अब चूंकि 66 तीनों साल के हैं, 64 दोनों पति पत्नी हैं, तो उनका बच्चा रहा होगा इस समय 2 वर्ष का। आंसर आपका ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन मैं बढ़ रहा हूं आप ही का, क्वेश्चन नंबर 6, 72 का कितने प्रतिशत 9 है, बहुत आसान सा सवाल है, ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, देखिए 72 का कितने मान लो x प्रतिशत 9 है, बस हो गया 72 का x प्रतिशत 9 क्या हो जाएगा, 72 इंटू x बटे 100 बराबर 9। अब आप इसको हल कर सकते हैं, 4 से संभवतः कट रहा है, 4 एकम 4 4 नौइया 36, नहीं 4 एकम 4 हुआ, 4 पहले 4 दूनी 8 25 हो गया, 4 एकम 4 3 बता 4 8 32 18 आएगा, 9 एकम 9 9 दूनी 18 आएगा, अर्थात 2x बटे 25 बराबर 1, तो 2x बराबर हो गया 25, x बराबर हो गया 25 बटे 2, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 यानी 12.5 प्रतिशत, ऑप्शन ए
सही है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा उसको करना था। अगला हमारा क्वेश्चन ये प्रतिशत का है। अगला देखिए लाभ और हानि का है। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हम चूंकि प्रतिशत है, हम मान लेते हैं इसका जो क्रय मूल्य है कास्ट प्राइस 100 रुपीज है। इस 100 रुपीज पर वो 20% यानी 100 पर 20 रुपए रख दिया, तो उसका जो अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस है, वो कितना हो गया? 120 रुपए। अब वो जो भी सामान ये प्रिंटेड रेट उसने बना रखा अपना, उस पर 15% की छूट देता है, यानी मार्क प्राइस का 85% पे माल बेच रहा है, यानी 120 का 15% छूट दिया, अर्थात 85% पे बेच रहा है, तो 120 × 85/100। अब आप इसको हल करेंगे तो ये आपको देखिए एक जीरो एक काट देगा, और ये आपका 2 से अगर काटे 2 × 10 2 × 12, 5 से काटे 5 × 5 5 × 5 5 × 5 5 × 5 तो बचेगा 3 × 5 = 35 17 × 5 = 85 17 × 6 = 102, यानी 100 रुपए वाली चीज उसका जो बिक्री प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, वो 102 रुपए है, अर्थात 100 रुपए पर मात्र 2 रुपए ले रहा है, अर्थात उसका जो लाभ है वो केवल 2% है। अब मैं बढ़ता हूं अगले आपके 3 क्वेश्चन और हैं, उनको बताता हूं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8, एक संख्या का 0.5 दूसरी संख्या का 0.7 के बराबर है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या है? तो सबसे पहले एक संख्या मान लेते हैं x, इसका है 0.5 बराबर है दूसरी संख्या यानी y का 0.7। तो इन पूछा कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो देखिए इसे मैं लिख सकता हूं x/10 y × 0.07/100। दोनों तरफ में 0 0 काट सकता हूं और ये भी 0.5 हटा सकता हूं। अब ये हो गया 5x/7y/10। तिरछी गुणा करेंगे तो 50x/7y हो जाएगा x/y = 7/ इसको इधर ले आएंगे 50 7/50, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा काम समय का है। हर बार एक क्वेश्चन आता है, 40 गायों को 20 दिन चराने के लिए चरागाह का किराया 370 रुपए है, यदि चरागाह का किराया 111 रुपए हो तो कितनी गायें 30 दिन में चराई जा सकती। इसके लिए मैंने आपको एक MDH फार्मूला बताया था, उसी का सदैव प्रयोग कीजिए। देखिए यहां M क्या है, आदमी की जगह गाय है, D दिन है, H घंटे नहीं, कितना काम काम है पैसों का, तो यानी इसमें हो जाएगा M1D1/R1 काउ C कर लीजिए C1, अब हो जाएगा C2D2/R2, यानी 40 गाय कितने दिन 20 दिन, कितना रुपए किराया 370 रुपए। अब आपसे पूछा कि यदि चरागाह का किराया किराया यानी 111 रुपए हो, कितनी गाय नहीं पता, मान लो x गाय कितने दिन 30 दिन, इसे आप हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करूंगा मैं, एक जीरो कंसीलेशन ला लगा देंगे, 3 × 3 3 × 2 = 3 7 3 9 37 × 37 37 × 37 0 0, तो ये तुम्हारा बना 8/1 = x/1, सो x = 8, यानी अगर 111 रुपए किराया हो, 30 दिन गाय चरवाई जाए तो उनका तो वो 8 गाय चराई जा सकती हैं 111 रुपए। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 में से,
एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। इसका मतलब दूरी को इसने मीटर में पूछा है, इसलिए किलोमीटर को जो इसकी चाल है 45 किलोमीटर पर आवर, इसे चेंज कर लेंगे 5/18 कर देते हैं तो ये बन जाती है मीटर पर सेकंड। तो 9 × 18, 9×5 = 45, यानी 25/2 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 25/2 मीटर पर सेकंड की दूरी तय करेगी, दूरी जो तय करेगी। अब पूछा 4 मिनट में, इसका मतलब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, 4 = दूरी बटे समय, और दूरी बराबर होता है 4 × समय, दूरी बराबर 4 × समय, 4 है 25/2, समय आपके पास 4 मिनट है, इसके बना देंगे सेकेंड, 2 × 1 = 2 × 2 = 4, 6 × 2 = 12, या 25 × 50 हुआ 50, और 30 × 56 = 30, 56 = 30, 1 0 ये हो गया, 2 0 ऊपर बढ़ गए, यानी 300 मीटर की दूरी चलेगा, या फिर 3 किलोमीटर। अब मैं अगले इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक अवश्य करें। जय हिंद।